नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय हम कुटेल गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एक युवक को जिसके गले में जो है हार ही हार जो है वो नोटों के टंगे हुए हैं और एक सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको बता दें कि ये लड़के का नाम फिलहाल वेद प्रकाश जो है बता रहे हैं और कुटेल गाँव का रहने वाला लड़का जो कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर आया है और जिसको लेकर सभी गांव के लोग, कुटेल गांव के लोग जो है जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से क्या कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में, कब से जो है ये प्रतियोगिता में आपने खेला, कहाँ से खेला है? यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल के आया, अभी काफी टाइम से खेल रहा था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रहा है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में है ना? ठीक है, फर्स्ट पोजीशन आई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे आया। हां जी, हां जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? कुशेत्र यूनिवर्सिटी। हां जी, तो कब से खेल रहे हैं आप? 4-5 साल से खेल रहे हैं। 4-5 साल से खेल रहे हैं। कुटेल गांव सबसे बड़ा प्लेयर है आज के इतिहास में। कुटेल गांव के ही रहने वाले हैं? हां, कुटेल के रहने वाले। हां जी, जमीन पे चलेगा भी। गोल्ड मेडल जीता है? हाँ जी, गोल्ड मेडल जीता। हाँ जी, तो ये कितने दिन की थी ये जो प्रतियोगिता थी? ये 5 दिन की थी। 5 दिन की थी। तो सभी जितने भी युवक हैं जो हमारे यंग जनरेशन है उनको क्या बोलेंगे? बस यही बोलना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। प्रैक्टिस करो, अपना कुछ ना कुछ मिलेगा। देश के लिए काम करो। बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का शौक। हाँ जी, यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो युवक है फिलहाल उसकी जो जश्न है वो मनाया जा रहा है और यहाँ पर कुटेल गांव में आप देख रहे हैं पीछे की ओर जो सभी लोग हैं उनके जो परिजन हैं वो भी लोगों को जो है नमस्कार करते हुए निकल रहे हैं और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और उनके जो भी माँ बाप हैं, भाई हैं, क्योंकि हमारा तो छोटा भाई है, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा छोटा भाई ऑल इंडिया इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर आया है। और इसके लिए गांव कुटेल ही नहीं, पूरा हलका और पूरा समाज, पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए बधाई का दिन है। और मैं अपने छोटे भाई औरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि छोटे भाई से सीख लेकर और उस चीज़ का मैसेज भी अच्छा जाएगा और सभी बच्चे आके एनकरेज होंगे और उनके लिए भी ये सोचेंगे कि हमें भी ऐसा दिन देखने को मिलेगा और आगे वो भी प्रोत्साहित होकर और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस छोटे भाई को भी, वेदपाल जी को भी बधाई देता हूँ और उनके माँ बाप को भी बधाई देता हूँ और गांव वालों को भी बधाई देता हूँ जिनकी मेहनत से आज ये सफल हुआ है और आज यहाँ तक पहुँचा है और बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आज इसके लिए मैं आप सबको, आपके माध्यम से सभी अपना देशवासियों, सभी करनाल वासियों को बधाई देता हूँ और सभी नए बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आगे वो भी इससे सीख कर अच्छे से अच्छा आगे रिजल्ट देने की कोशिश करें और ताकि आगे समाज में, आगे करनाल में, आगे इंटरनेशनल में, आगे ऑल इंडिया में और बढ़िया रिजल्ट दें। धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से आगे की तरफ भी झंडे लेकर भारत के सभी जश्न जो है मना रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि लाइफ के अंदर एक गोल जो है अचीव करने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। शुरू में दर्द भी होता है, हम जब भी कोई मेहनत करते हैं काफ़ी सारी थकान भी होती है, लेकिन उसके बाद जब जीतते हैं तो वो सारी थकान, मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर है वो उससे जो है वो ब्राइट करती है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देख रहे हैं कि गांव के सभी लोग जो हैं अपनी बाइक्स लेकर और साथ में व्हीकल्स लेकर पूरे गांव के अंदर जो है एक रैली निकाल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन जो है वो करने के लिए कि और भी जो युवा हैं वो आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और फिलहाल जो है देख सकते हैं तस्वीरों में कि रैली जो है फिलहाल लगातार निकल रही है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है सभी व्हीकल जो है फिलहाल लगातार जो है वो चल रही हैं और इसी जश्न को मनाते हुए आगे कार्यक्रम भी रखा गया है। तो यहाँ पर हम बधाई भी देते हैं वेदपाल को कि वो अपनी जीवन में जो अचीवमेंट की है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में सभी लोगों से जो है माता पिता से भी यही कहेंगे कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते रहें आगे बढ़ने के लिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।